ये तस्वीरें हैं पंजाब की। आप सोच रहे होंगे कि सफेद कपड़े पहने शख्स कौन है, पुलिस इसे पकड़ कर क्यों ले जा रही है। सफेद टी शर्ट पहना शख्स कोई साधारण शख्स नहीं, पंजाब कांग्रेस के कद्दावर नेता और विधायक सुखपाल सिंह खेरा है। आखिर आप सोच रहे होंगे कि पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। पुलिस ने गिरफ्तारी ड्रग्स के एक पुराने मामले में की है। ये मामला 2015 से जुड़ा है। सुखपाल खेरा को 2015 के एक पुराने ड्रग्स केस मामले में जांच के दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई 2015 में ड्रग्स तस्करी के मामले में की है। ये मामले में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों के एक गिरोह से 1800 ग्राम हेरोइन, 24 सोने के बिस्कुट, 2 हथियार, 26 कारतूस और 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड जब्त किए थे, जिसके बाद पंजाब सरकार ने जांच के लिए डीआईजी को अगुवाई दी थी, एसआईटी का गठन किया था और उसकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने सुखपाल सिंह खेरा को गिरफ्तार किया है। खेरा पर आरोप है कि वह अपने पर्सनल सेक्रेटरी के फोन से तस्करों से बात किया करते थे, जबकि सुखपाल खेरा का कहना है ये एक झूठा केस था। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें इस केस में राहत दी है। पंजाब दे विच जंगल दा राज, बदलाखोरी दा राज, क्योंकि भगवंत दा मैं मुखालफत करदा, आ मेरे खिलाफ कर रहा, मैं ताब मेरा बेटा पिछे है ना, तो संपर्क कर सकते। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने इस गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सरकार पर हमला किया है। वे कहा कि कांग्रेस विधायक सुखपाल खेरा जी की गिरफ्तारी में राजनीतिक प्रतिशोध की बू आती है। ये विपक्ष को डराने की कोशिश है और एक चाल है। पंजाब की आम आदमी पार्टी वाली सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटका रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं। जिस प्रकार का ये पंजाब पुलिस ने ये कदम उठाया है, सरासर जंगल राज है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। जो तमाम एफआईआर की प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी हो, क्वैश कर दी हो, जिसमें नोटिस रिगार्डिंग स्टे हो गया हो ईडी को, उसमें केस में है क्या? जो 8 साल पुराना केस है यार, उसमें कुछ नहीं है। सुखपाल सिंह खेरा कोई गलत काम हो सकता कर रहे हो या कुछ किया हो, लेकिन सुखपाल सिंह खेरा नशा नहीं बेचता है, ये आपको बताना चाहता हूं। कायदा ये गलत किया तब भी, ये तब की सरकारों ने 2015 में अकाली दल ने ऐसा काम किया था, फिर कुछ मिला नहीं। एफआईआर दर्ज हुई थी, 10 लोगों के ऊपर दर्ज हुई, किसी ने खेरा साहब का नाम नहीं लिया, किसी ने खेरा साहब को गुनेगार नहीं ठहराया और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दी, तब क्यों नहीं एफआईआर में नाम आया किसी का? 8 साल बाद अचनचेत कैसे याद आ गया? फैमिली से बात हुई है, क्या कहना है? फैमिली तो यही कहती है बेचारी, क्या कहे अब? फैमिली तो यही कह रही है कि भाई हमारे खिलाफ बदलाखोरी की भावना है, खेरा साहब को कुछ भी हो सकता है, खेरा साहब के साथ कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। कांग्रेस का सर क्या स्टैंड है? कांग्रेस 100% हमारे वो किसान सेल के चेयरमैन है, कांग्रेस 100%। दिल्ली ने आज मेरे को सुबह सुबह खरगे साहब का भी फोन आया, मैंने उनको बताया, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम पूरे जोर से उनकी लड़ाई लड़ो, हम खेरा साहब के साथ हैं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा के तेवरों से साफ है पार्टी सुखपाल खेरा के साथ मजबूती से खड़ी है। तो इस विवाद से पंजाब में इंडिया गठबंधन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, AMB नेटवर्क।